राजधानी भोपाल में एक ऐसे लुटेरे को कोहेबसा पुलिस ने गिरफ्तार किया है जिसकी लूट करने की वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल 28 अक्टूबर को कोहेफिजा इलाके की गुफा मंदिर के पास एक एक्टिवा सवार बदमाश ने वृद्ध महिला के गले से मंगलसूत्र झपटकर फरार हो गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस लुटेरे तक पहुंच गई। वहीं बैरागढ़ बाजार से पुलिस ने आरोपी को उस समय दबोच लिया जब वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शॉपिंग कर रहा था। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम नीरज भावनानी बताया और वह गिदवानी पार्क बैरागढ़ का रहने वाला है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लूट की वारदात की थी ताकि उसके महंगे शौक को पूरा कर सके। पुलिस ने बताया कि आरोपी के पूर्व में भी अपराध दर्ज है। वह अपनी गर्लफ्रेंड को शॉपिंग करवाने घूमने और उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया करता था। फिलहाल उससे लूटा गया मंगलसूत्र और एक्टिवा बरामद कर ली गई है। उनके द्वारा एक शिकायत की गई थी जब वो शाम को उक्त दिनांक की शाम को 7 बजे जब भ्रमण कर रहे थे गुफा मंदिर के सामने, तो अज्ञात बदमाश द्वारा एक एक्टिवा गाड़ी से आया और उनका छप्परमारी करके उनका मंगलसूत्र ले गया। सूचना पर थाने पर अपराध क्रमांक 602/24 धारा 304(2) BNS के तहत अपराध पंजीकृत किया गया था। अपराध की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान DCP महोदय के निर्देशन में एक टीम गठित हुई जिसमें साइबर सेल और एक वीडियो फुटेज देखने के लिए टीम लगाई गई और पुराने जो अभ्यासिक अपराधी हैं ऐसे अपराधों से संबंधित उनके संबंध में जानकारी के लिए टीम गठित की गई थी। तो जिनके निर्देशों में श्रीमान के हम लोगों ने फुटेज के आधार पर और PSTN साइबर सेल की मदद से एक व्यक्ति को चिन्हित किया गया था जिसको रेकी कर रहे थे, जिसको बैरागढ़ से उठाया गया है, जिसका नाम नीरज भवनानी है जो गिदवानी पार्क बैरागढ़ का रहने वाला है। वो उसकी गर्लफ्रेंड को शॉपिंग कराते हुए वो वहीं पे बैरागढ़ में पकड़ाया और जब पूछताछ के दौरान उसके द्वारा बताया गया कि वह जो इस तरीके की जो घटना को अंजाम देता था तो वो पैसे का वो यूज़ करता था। तो गर्लफ्रेंड के लिए ये हाँ उसका यही कहना है गर्लफ्रेंड के लिए मतलब हाँ ऐसे जी वैसे कितनी वारदात कर चुका है अभी फिलहाल एक का ही बता रहा है और पूछताछ की जा रही है। अन्य पूर्व में इसके दो अपराध हैं जो ये धारा 188(1)(8) IPC के अंतर्गत है और एक साधारण मारपीट का है और अन्य थाने से के संबंध में जो अपराध पूर्ण हुए हैं उनके संबंध में पूछताछ की जा रही है। इसमें जो ये अकेला साहब है लूट के टाइम हाँ ये वीडियो में अकेला आया है। एक गाड़ी थी इस्तेमाल जो गाड़ी थी ये थी उसके पास ही मिली है और जो उसने वारदात के दौरान जो टी शर्ट पहना था वो भी उसके बरामद किया गया है तो मसूर का भी बरामद किया गया है। मंगलसूत्र मिल जाएगा जी देश भाई साहब बिजनेस तो आपने खोल लिया पर बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ तो करना होगा। आप पुराने तौर तरीके भूल जाइए, जमाना बिल्कुल बदल गया है। आप घर बैठे अपने स्कूल कॉलेज कोचिंग इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल क्लिनिक रेस्टोरेंट या ज्वेलरी शोरूम के साथ साथ शॉपिंग मॉल या फिर किसी भी तरह के बिजनेस का जोरदार और धमाकेदार ऑडियो या वीडियो तैयार कराना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें, हम देंगे आपको बिल्कुल बढ़िया समाधान। जी हाँ, हम हैं लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंट्स एंड पब्लिशर्स। नाम तो सुना होगा। आपके बिजनेस के प्रचार की पूरी गारंटी हमारी। आप हमें व्हाट्सएप करें 7805818606 पर।